मुझे दो लाइनों में ये लिख के दिखा दीजिए कि कितना जरूरी है आपके लिए एनडीए एग्जाम, मेरे सपनों से ज्यादा, अच्छा जान से ज्यादा, इट इज आवर नीड, कोई जवाब नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी है, मोर देन एनीथिंग एल्स, जान हाजिर है एनडीए के लिए। आप समझ जाइए अब कितना जरूरी है दुनिया में सबसे ज्यादा, जितना हृदय का धड़कना जरूरी है उतना, कांट डिफाइन, मेरी लाइफ से ज्यादा, बस मर मिटूंगा इसके लिए, मेरी होल लाइफ एम है सर, सैनिक स्कूल से हूं, जितना माँ बाप को उसका लड़का पसंद होता है उतना ही मुझे एनडीए पसंद है, खुद को तोड़ दूंगा उसे पाने के लिए, जीने से ज्यादा जरूरी है, लास्ट तक जीने के लिए, जितना हमको सांस, अच्छा चला गया सर, आप मछली से पूछ रहे हैं कि उसके लिए पानी कितना जरूरी है। ओह बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार जवाब आया, और आपसे उम्मीद भी इसी चीज की करता था कि जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं आप कनेक्ट कर पाए उससे कि भाई वो हम कर क्यों रहे और क्यों ज्यादा जरूरी है। तो मेरी बात सुनना प्यारे बच्चों, सुनो, बहुत बढ़िया मैं समझ गया, मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनना, और ये छोटी छोटी चीजें आपको लाइफ में पुश करेंगे आपके सपनों की तरफ जाने के लिए। क्या चीज सर? जब हम अपनी मंजिल की तरफ, अपने सपनों की तरफ हम चलते हैं, तो पहली बात तो वो शख्स जो अपने सपनों के पीछे भागे ही नहीं, जब वो अंत में होते हैं ना अपने जीवन के, या एक ऐसे पड़ाव पे होते हैं जब सपने निकल चुके होते हैं उनके हाथ से, वो कोसते हैं अपने आप को कि नहीं यार जाना चाहिए था, मेहनत करनी थी, इस बार होना करना था मेरे को इस बार। तो पहले तो आप सबको ऑल द बेस्ट, आप सब लोग अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आप सब अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। पहली चीज तो ये कि आपने एक सपना सोचा, आपने डिसाइड किया, आपने अपने गोल्स बनाए, अब गोल्स है ना, गोल्स बन गए, अब उस गोल्स को, उस सपने को, सपने को पहले सपना देखा, अब उसके गोल्स, उसको सपने को गोल्स में कन्वर्ट किया, अब उस मंजिल की तरफ जा रहे हैं। बहुत पहली चीज तो ये कि आपका विजन क्लियर है, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप अपनी मंजिल की तरफ जाओगे ना, सफर सुनहरा नहीं रहेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ऑल इंडिया रैंक 24 का भी इंटरव्यू किया, पलक का भी किया, और भी बहुत सारे स्टूडेंट को किया, तुषार ऑल इंडिया रैंक 1 CDS का किया है ना, प्रवीण ऑल इंडिया रैंक 1 एयरफोर्स का किया, इतने सारे इंटरव्यू मैं ले चुका हूँ, पता है आपको लगता होगा ना, ओ भाई और कितना मजा आ गया, उसकी तो रैंक 1 आ गई, रैंक 2 आ गई, सिलेक्शन हो गया, ऑल इंडिया रैंक 1 हो गया। सफर सुनहरा नहीं है, सफर में कांटे हैं। एक एक शख्स भी, एक शायरी भी लिखते हैं कि सफर सुनहरा है मंजिल से भी नारे, अपने यूपीएससी में ना ऐसा मतलब आपको अपने सफर में बहुत दिक्कतें आएंगी, और यही दिक्कतें आपको स्ट्रांग बनाएंगी, क्योंकि आप अभी काबिल नहीं हो एनडीए के। जब आप उन दिक्कतों को समझोगे, उन प्रॉब्लम से लड़ोगे, तो आप अपने आप धीरे धीरे बड़े बनते चले जाओगे। तो लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप समझो कि वो जरूरी है, आपकी तैयारी एनडीए की अभी से शुरू है। आप आसान के पीछे भागोगे, आपको मुट्ठी भर भी नहीं मिलेगा कुछ इस जहान में। आपको क्या करना है? आपको ये जमीन खरीदनी है, ये आसमान खरीदना है, ये दुनिया खरीदनी है, चांद खरीदना है। अगर इतना सब कुछ खरीदना है, तो क्या सिर्फ लेटे लेटे या टाइम पास करने से या रेगुलर रूटीन करने से क्या वो खरीद लोगे? कब मिलेगा वो? जब इतने हकदार बनोगे कि दुनिया को खरीद पाओ। और उसको खरीदने के लिए क्या करना चाहिए? आपको अपने इस सफर में जितनी भी चुनौतियां, जितनी भी समस्या, जितनी भी परेशानी आएगी, बस एक बार मुस्कुराना और बोलना है, ए एनडीए, तेरे लिए एक बार सर के सामने मैंने इतना लिखा था कि तू इतना ज्यादा जरूरी है, और अब मैं तुझे ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा भाई कि थोड़ी सी दिक्कत आ गई और तेरे साथ मैं सेक्रीफाइस कर लूं, ना 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 ना, तुझे तो मैंने अपनी जान से ज्यादा चाहा था, तेरे लिए तो मैंने ऐसे ऐसे लिखा था सर के सामने कि तू कितना जरूरी है, और तू इतना जरूरी तो फिर मैं बेवफा हूं। तो क्या तुम बेवफा हो? नहीं, तुम बेवफा नहीं हो, तुमने कमिट किया है अभी तुम्हारे लिए वो शख्स कितना जरूरी है, और वो शख्स कोई लड़की या लड़का नहीं है, एनडीए है, तो इसमें तुम्हारी क्या गलती? मोहब्बत तो ताबड़तोड़ है, और वो भी तुमसे उतनी मोहब्बत करता है एनडीए, क्योंकि वो भी तुम्हें बुला रहा है, तुम घर से उसको पास जाना चाह रहे हो, तो जो मोहब्बत का मिलाप है ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि जिस दिन आपका पढ़ने का मन भी नहीं लग रहा है, या पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है, पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा है, उस दिन भी पढ़ोगे आप, और वही इंसान अपनी मंजिल पर अपने सपनों को, अपने गोल को, अपने एम को प्राप्त कर पाता है, जो ना चाहते हुए भी
का मन नहीं कर रहा, नहीं यार आज नहीं करनी प्रैक्टिस, आज नहीं करना सर ये, लेकिन उस दिन भी वो करें, है ना। इसे हम डिसिप्लिन, इसे हम कंसिस्टेंसी, इसे हम हार्ड वर्क। तो दिमाग के अंदर है नहीं नहीं यार आज नहीं पढ़नी, आज हिस्ट्री पॉलिटिक्स मैं नहीं देख रहा, नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा मैथ आज। लेकिन फिर समझ में आए 4 महीने ही तो बचे हैं, फिर समझ में आए नहीं 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 बहुत कम टाइम है, मेरे जैसा कोई और बच्चा पढ़ रहा होगा, इसलिए पढ़ाई करनी है। और पढ़ते हुए हर बार मजा नहीं आएगा, जब अकेले बैठ के कमरों में रो रहे होंगे, दिक्कतें आ रही होंगी ना, बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन यही आंसू बारिश भी बनेंगे, फसल भी आएगी, उजाला भी होगा। और जिस दिन आप चमकोगे, सूरज से ज्यादा चमकोगे, उस दिन के लिए पढ़ना है। आई थिंक आप सबको आंसर मिल गया क्यों पढ़ाई करनी है। और जिस दिन दिमाग बोले नहीं, उस दिन भी पढ़ना है, क्योंकि वही आपका पेशेंस है, वही आपका टेस्ट है, वही आपकी परीक्षा है। मैं नहीं जा रहा आज लड़ाई करने, आने दो पाकिस्तानियों को अंदर। क्या ये आप ऑर्डर दे सकते हो सरहद पे? अरे टेररिस्ट आए, नहीं नहीं यार मेरे को तो नींद आ रही है आज नहीं जाना। क्या ये आप ऑर्डर दे सकते हैं? तो आज से ही आपकी ऑफिसर की तैयारी शुरू हो गई। आप समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं, आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं आपको पढ़ाई के लिए तो बोल ही नहीं रहा कुछ, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप कर क्या रहे हो और करना क्या है आपको। एक दिन में चीजें ठीक नहीं होंगी, लेकिन हां 4 महीने बाद सब ठीक करने की कोशिश हो जाएगी। तो जब वहां एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो, तो मेरे भाई आज अपने आने वाले कल को क्यों एक्सक्यूज दे रहे हो, हैं? और मैं आप में से बोलूं भी ना कि हां भाई अगर सबके अकाउंट में 10-10, 15-15, 20-20 लाख डलवा दूं, कल का सूरज नहीं देखोगे, आज ही टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा, बोलोगे अरे सर मार दोगे क्या हमें 40-20 लाख रुपए देके, हम कल नहीं उठेंगे, हम क्या करेंगे उस 40 लाख रुपए का, हम तो मर जाएंगे। जब आपका कल इतना ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि आप अपने अरे नहीं चाहिए मुझे पैसे, मुझे तो सुबह उठना है, तो आपका कल इतना ज्यादा जरूरी है तो आज अपने कल को क्यों खराब कर रहे हो भाई? जो तुम्हारा आने वाला कल है, क्या प्लान है तुम्हारे उसके लिए, कैसे खराब करना है उसको? ठीक है। और 2 सेकंड की कॉल होती है दिमाग में, 2 सेकंड की कॉल, छोड़ना करना है, छोड़ना करना है, लूजर ना मैं नहीं कर रहा, क्रिएटर हेल रेसर बीस्ट करना है, अब भी करना है, दिन में भी करना है, शाम में भी करना है, करना है, एवरीडे करना है, तब तक पेरेंट्स प्राउड फील ना करें, मैं उधर खड़ा हूं पूरी फैमिली मेरी वजह से खुश हो, तब तक करना है। तो दिस शुड बी योर मेंटेलिटी। ठीक है। तो मजे मजे से नहीं आएगी भैया रैंक एनडीए के अंदर, या मजे मजे से सिलेक्शन नहीं होगा। एनडीए क्या, दुनिया की बात भी कर रहा हूं, जिंदगी में जीतना है तो मजे मजे से नहीं होगा, कठिनाई आएगी, हर दिन आएगी। आपको क्या लग रहा है एनडीए में हो जाएगा सब सॉर्टेड हो गया? एनडीए के बाद आपकी कंपनी बदल जाएगी, आपके दोस्त बदल जाएंगे, चारों तरफ लूटिनेंट होंगे, आपको वहां पर परफॉर्म करना है, वहां पर अच्छा करना है, उससे आगे जाना है, प्रमोशन लेना है, और आगे जाना है, मेजर जनरल जाना है, और ऊपर बनना है। कितनी भाग दौड़ है जिंदगी के अंदर, और जिंदगी इसी का नाम है। ठीक है। तो जिंदगी में पूरी जिंदगी मेहनत करनी है, बस स्मार्ट वाली जो अब आगे जो मेहनत होगी वो दूसरी तरीके की मेहनत, अभी जो मेहनत है वो आपकी सिलेक्शन की मेहनत। ठीक है भाई, चलो। सो ऑल थिंग इज क्लियर। सर मैं टीजीटी बैच से निधि हूं, मैंने आपका पिछला बैच भी लिया था, आपसे कनेक्टेड रहती हूं तो बहुत बहुत एनर्जी रहती है। थैंक यू यार। ठीक है चलो, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा काम समझाना है आपको, बताना है कि आपको डरना नहीं है बड़ी बड़ी चीजों से।